ये रहे अपने हर्जाबे ट्राइब। हंजाबे, दुनिया के लास्ट हंटर गैदरर्स, जिन्हें गांजा स्मोकिंग हंटर या एंसेंट हंटर ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भाषा में होती है क्लिक लैंग्वेज, साथ में तीर कमान। शिकार करना हो जिनकी फितरत और जंगलों के बीचों बीच झुंड में रहने का इनका अंदाज। आइए मिलते हैं ऐसे लास्ट हंटिंग ट्राइब ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग जो जानवर होते हैं उसका खाल मार के सुखाते हैं। लाइफ इनकी भाई ऐसी है, कोई लाइट नहीं, कोई पानी नहीं। रास्ता इंडिया या अफ्रीका तंजानिया कंट्री के सबसे मोस्ट वाइल्ड हंटर, जिनको बोलते हैं बुशमैन यानी हंजाबे ट्राइब, जिन्हें बुशमैन भी कहा जाता है भाई, उनसे मिलने और उनको आप सबको मिलाने के लिए हमने एक कोशिश की। ये इसी एरिया में सिर्फ आपको मिलेंगे और यहाँ पे भी दो एरिया है, एक गोरफानी और दूसरा ये जो हमने आपको बताया लंगंगा रैली के ईशाऊ एरिया में। इन्हीं दो जगह पे आपको मिलेंगे सिर्फ हंजाबे ट्राइब। जो ओरिजिन है इनका उसको बोलते हैं टिंडिका, यानी हंजाबे सिर्फ इनका नाम है। मोस्टली ये बुश में रहते हैं। बुश का मतलब ये हुआ भाई कि जंगलों में एक जगह से दूसरे जगह ये मूव करते हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं होता, कोई घर नहीं होता और इनका जो ओरिजिन रूट है वो टिंडिका ट्राइब के नाम से जाना जाता है, जैसे एक दूसरा ट्राइब है डाटो का। कितना खतरनाक रास्ता है वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। सिर्फ जंगलों से हमने आपको बोला तो जंगलों से बोलने का मतलब नहीं हुआ भाई, आप रास्ता भी देख सकते हो। ये देख रहे हो कीचड़, पानी, सब कुछ पूरा इसी से होके गुजरना पड़ेगा, देन आप वहाँ पे पहुँच पाओगे। हम भी कोशिश करते हैं कि ऐसे ही संभाल संभाल के यहाँ से आगे निकला जाए। हंजाबे, जिनका गढ़ नॉर्थ तंजानिया, जिन्होंने आज भी संभाल के रखा है 40,000 साल पुरानी अपनी सभ्यता, जो बसे हैं आज भी मीलों दूर अफ्रीकी जंगल के वादियों में, जिनका कोई नाता नहीं हम आज के इंसानों से, फिर भी एक आस लगाए निकला था मैं उन्हें खोजने इन अनजान रास्तों पर। जाके भाई सुबह से अब जाना खाने को मिल रहा है और ऑलमोस्ट भाई हम पहुंच गए हैं जो हंजाबे ट्राइब है उनके एरिया में। ये देखो रास्ता पूरा बंद है भाई, और ये सामने जो आप देख रहे होगे भाई, ये है हंजाबे ट्राइब की एक बीवी यानी पत्नी, जो हमें लेके चल रही है उनके पास। और ये छोटा सा हमने घर आपको अलग से दिखा, ये भी एक छोटा सा घर है, और ये उनकी वाइफ और ये उनके बेटे हंजाबे ट्राइब के। हाउ आर यू? टाना? या लेट्स गो, कम, यू आर माय फ्रेंड, लेट्स गो। या तो ये सब भाई छोटे छोटे कबीले, पूरा ये इनका कबीला आपने देखा, एक ये, इसी तरह से पीछे ये पहाड़ के पीछे जाओगे भाई तो भी आपको देखने को मिलेगा। और ये अपने हंजाबे ट्राइब का एक छोटा सा लड़का और उनकी बीवी एक दूसरे लड़के को लिए। और भाई उनका ड्रेसिंग सेंस की अगर मैं बात करूं तो वो भाई अंदर कुछ भी उन्होंने नहीं पहना हुआ, सिर्फ नीचे जो मैंने भी नोटिस किया एक इन्होंने वो लपेटा हुआ है कोई कपड़ा करके, और ऊपर से बच्चे को लपेटने के लिए उन्होंने एक कपड़ा ऊपर पहना हुआ है। Hapo katikati ni ya shemeji yangu. Akateta tofoka choeka. Anana ati asema. Wote yani katika mwanaume aliyebaki ni mimi tu. Yani wote wameshaishi. Sasa mpana kipango na sipaishi. Mimi sasa ina kazi gani? Hapo nimeshaweka sasa idadi ya debi imeshajaa. Mama mjomba. Weka asali yangu kwenye chupa mimi na nyonyonyo mdogo mdogo. Acha utani bana. Jombe acha utani. Ni sasa inakaje? Nataka naweka na. Maji hamna tena pale. Eh? Maji haina. Ya leo asubuhi ya leo. हम अब चल रहे हैं हंटिंग करने अपने इस हंजाबे ट्राइब के साथ। कैसे ये हंटिंग करते हैं भाई जंगलों में जाके,
वो अब हम आपको दिखाते हैं कि कुत्ता, दो कुत्ता और एक तीन कुत्ता और उनके बच्चे। मोस्टली भाई ये जब भी ट्रैवल करते हैं यानी शिकार पे निकलते हैं तो आप ये मान के चलिए ये अपने साथ हमेशा कुत्ते लेके ज़रूर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये कुत्ते इनको बताते हैं कि यहाँ पे भाई जानवर है और इस रास्ते को आप फॉलो करिए। मोस्टली ये चीज़ हमने देखा। और फल जो हमने आपको बताया, ये छोटा सा फल जब इन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो वो खाने की कोशिश करते हैं। साथ ही कई बार ऐसा होता है भाई इन्हें खाना नहीं मिलता कुछ भी तो ये भूखे रहते हैं, मधुमक्खी जो भाई हनी होता है वो सब निकाल के लाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये घने जंगलों में रहें, बाहर नहीं जाते हैं। ये इनका दिनचर्या है और लाइफ इनकी भाई ऐसी है, कोई लाइट नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पे रिसोर्स। घर भी इनका जो आप अभी देख रहे हो, ये घर इनका टेम्परेरी होता है भाई, परमानेंट घर ये नहीं बनाते जो आपने देखा। ये कोई कपड़ा नहीं है भाई, ये किसी इम्पाला जानवर जो यहाँ पे लोकल जानवर होता है इम्पाला, उसका ये खाल है भाई। ये उसी तरह से पहनते हैं, ये जैसा मैंने अभी पहना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा इसी को पहन के। अब थोड़ा सा भाई इनके पास थोड़े बहुत कपड़े आ गए तो ये थोड़ा बहुत कपड़े पहनने लगे जब कोई इन्हें दे देता, वरना ये इसी तरह से खाल जो होता है और सर पे भी ये लगाते हैं इम्पाला, वही और भी अलग अलग जो जानवर होते हैं उसका खाल मार के सुखाते हैं और फिर उसके बाद ये सारा चीज़ लगाते हैं। हंजाबे, जिनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद अपने सरहदों को सुरक्षित रखना, चाहे रोज की दिनचर्या हो या नंगे पैरों शिकार पे जाना, खाने की तलाश इन्हें किसी भी हद तक जाने को मजबूर, चाहे घने जंगलों में मधुमक्खियों के छत्ते से भिड़ना हो या शिकार करते हुए घायल जानवरों का पीछा करना, पानी की तलाश में मीलों दूर चलना हो या हफ्तों भर अपनी फैमिली से ना मिल पाना, ये सब मानो अब इनके हर लम्हों का एक करीब हिस्सा है जिसमें ये गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं। ये छोटा सा घर उनका है, पूरा एकदम बनाया हुआ है पूरा घर छोटा सा, और ये देखो बाहर ये लोग खाना वाना बनाते भाई, ये जो आप देख रहे हो ये। वैसे देखा जाए हंजाबे ट्राइब की हंटिंग स्किल अपने आप में यूनिक है, क्योंकि इन्हें नोमैडिक हंटर माना जाता है। इनके पास ना खुद का कोई पालतू जानवर, ना ही खुद से बनाया हुआ कोई खाना। जंगलों में मौजूद कुछ फल और पत्ते, जानवरों के मांस और मधुमक्खियों के शहद से अपना दिन गुजारने वाले ये लोग आज भी अपने हाथों से बनाए हुए औजारों का इस्तेमाल शिकार के लिए करते हैं। ये सच है कि इन्हें आज भी वाइल्ड शिकार करने का पूरा हक है और इस वक्त हुए थकान को ये अपने उंगलियों तले मरिजुना के चीलम के साथ निकाल दिया करते हैं। कद काठी में छोटे मगर फुर्तीले, अपनी अनोखी आवाज, खुद को इन भीषण जंगलों में जिंदा रखने की सीख, इसीलिए इन्हें आज भी दुनिया का सबसे वाइल्ड हंटर गैदरर देने का खिताब रखता है। आपसे मिलके अच्छा लगा। वेरी गुड। ग्रेट। नाउ अगेन इंडिया वालो आप सब कैसे हो। वेरी गुड। तंजानिया में आपका स्वागत है। वेरी गुड। वेट अगेन वन मोर। लेट्स फ्रॉम इंडिया इन तंजानिया इन अफ्रीका विथ अंश मिश्रा।